फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से वेलकम करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक और नई क्लास के साथ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था WH वर्ड के बारे में, आई होप आपने अच्छे से क्लास को समझा होगा। आज WH वर्ड्स को आगे लेके चलते हैं और हम कोशिश करेंगे और नए WH वर्ड सीखने की, ताकि हम नए नए तरीके के सवाल हैं वो पूछ सके और उनका जवाब जान सके। और हमसे कोई अगर WH वर्ड से रिलेटेड सवाल पूछता है तो हम उनका जवाब आसानी से समझ कर दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब तक हमारे पहले के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख के आइएगा, ताकि आपको आने वाली क्लासेज है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि मैंने बताया था WH वर्ड में हम बात करने वाले हैं, अलग अलग WH वर्ड्स होते हैं जिनको आपने सुन रखा होगा, व्हाट, व्हाई, व्हेन और बहुत सारे WH वर्ड आपने सुन रखे होंगे, यूज भी किए होंगे। पर्टिकुलर लाइफ में एक पर्टिकुलर सवाल को पूछने के लिए आपको अलग अलग WH वर्ड चाहिए, तो उन्हीं को यूज करने के लिए हमारी क्लास रहेगी। बेसिक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि WH वर्ड यूज करेंगे के ठीक बाद में आपको यूज करना है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड जो मैंने अलग अलग क्लास में बताए थे, डू, डस, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, शेयर, शुड और बहुत सारे टाइम वर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, के बाद में हमें यूज करना होता है वर का, के बाद में हमें उस एक्शन का यूज करना है जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिक फॉर्मूला रखता है किसी भी WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो। ये जो अपना फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी को आपको बेसिस मानना है, आधार मानना है और आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बना सकते हैं और बने हुए क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका हम यूज शुरू करते हैं। आज जो हम WH वर्ड डिस्कस करने वाले हैं वो पहला WH वर्ड है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो अपना रहेगा वाई। आज हम वाई को लेकर के बातचीत करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट WH वर्ड है, काफी ज्यादा बार आपको सुनने को मिला होगा और आपने काफी बार इसको यूज भी किया होगा आई होप। अगर आप इसके बारे में कम जानते हैं तो भी आज की क्लास के बाद में अच्छे से जानने लग जाएंगे, समझ जाएंगे और इसका यूज भी करने लग जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना इसका जो फॉर्मूला रहेगा बेसिक, जिससे हम सवाल पूछेंगे, बनाएंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल पाएंगे, उसके लिए बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे व्हाई और उसके बाद में आप बोलेंगे जो भी टाइम वर्ड है वो, उसके बाद में आप बोलेंगे वर्कर जिसके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद में अपना एक्शन आ जाएगा और इस तरीके से हम बहुत सारे सवाल पूछ पाएंगे। ये अपना WH वाई, वाई से अपना सवाल रहेगा। देखिए कोशिश हम ये कर रहे हैं कि क्लासेस का थोड़ा साइज थोड़ा छोटा हो जाए, प्रैक्टिस ज्यादा हो पाए, क्योंकि तो बड़ा साइज क्लास का होने पर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि क्लास पे आप टाइम स्पेंड कम करें, प्रैक्टिस पे टाइम स्पेंड आप ज्यादा करें, यही अपनी पहली प्रायोरिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका यूज शुरू करते हैं। अब मैंने WH वाई को बता दिया, अब इस वाई का यूज क्या है, कहां इसको यूज करना है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए वाई का यूज है किसी भी काम के पीछे का कारण जानने के लिए। अगर कोई भी काम हो रहा है या हुआ है या होगा तो उसके पीछे का अगर आप कारण जानना चाहते हैं, रीजन जानना चाहते हैं, तो आपको WH वाई वर्ड यूज करना, मतलब वाई से आपको ये सवाल पूछना है और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो रीजन जानने के लिए, किसी काम के पीछे का, किसी बात के पीछे का कारण जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वजह से दुखी हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दुखी क्यों हैं, तो दुखी होने के पीछे का कारण जानना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश सीखने के पीछे का कारण जानना चाहता हूं। तो सवाल जब मैं पूछूंगा इन इंग्लिश तो वाई से शुरू करूंगा मैं। अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बोलते क्यों हैं, लिखते क्यों हैं, पढ़ाते क्यों हैं, पढ़ा क्यों रहे हैं, कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, आप मास्क को यूज क्यों कर रहे हैं, कोई भी काम के पीछे का कारण अगर आपको जानना है तो आपको वाई यूज करना है, जिसको हम हिंदी में क्यों के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं जो जिस बात पे फोकस कर रहा हूं वो क्या है, वो है कारण। अगर आप जानना चाहते हैं, रीजन अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप वाई से सवाल शुरू करेंगे और इस सवाल को पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को बनाने शुरू करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने कहा तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, पहले सवाल ये पूछते हैं कि तुम इंग्लिश सीख रहे हो क्या। दो टाइप के सवाल होते हैं, मैंने कल भी बताया था। पहला सवाल ये है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो क्या, तो इसमें हमें क्या चाहिए कि आप टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करें आर, उसके बाद में आपसे सवाल पूछ रहा हूं आर यू,
और सीखने की बात चल रही है तो आर यू लर्निंग, ठीक है, आर यू लर्निंग इंग्लिश, ये अपना सवाल है, आर यू लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब अगर हमें पूछना ये है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, क्योंकि इसका जवाब तो यस और नो आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं आर यू लर्निंग इंग्लिश, अब आप कहेंगे यस या फिर कहेंगे नो। अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, रीजन क्या है इंग्लिश सीखने के पीछे, तो मैं यहां पे वाई से शुरू करूंगा। और आप देख सकते हैं हमने जो अपना बेसिक फॉर्मूला बनाया था उस पर पूरा का पूरा ये मैच हो रहा है। अपना डब्ल्यू एच वाई आ गया, टाइमर आ गया, वर्कर आ गया और ये अपनी एक्शन आ गई। तो इस तरीके से आप वाई से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, रीजन जानने से रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, अपना पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है। मैंने कहा कि आप मार्केट क्यों जा रहे हो, पहले सवाल ये पूछिए कि आप मार्केट जा रहे हो क्या, तो आपका सवाल क्या बनेगा, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। लेकिन जानना ये है कि मार्केट क्यों जा रहे हो, तो फिर आपका सवाल हो जाएगा वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप चाय पीते हो क्या, आप चाय पीते हो क्या, आपका सवाल क्या बनेगा, पहले ये पूछते हैं कि आप चाय पीते हो क्या, तो यस और नो वाला क्वेश्चन है ये, तो आप चाय पीते हो क्या, तो इसके लिए आपकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, डू यू टेक टी, आपका सवाल क्या है, डू यू टेक टी। अब देखिए अगर आपने ये सवाल पूछा तो इसका जवाब यस और नो में आ जाएगा, क्योंकि सवाल का जो पैटर्न है वो डब्ल्यू एच वर्ड वाला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले या टाइम वर्ड को सबसे पहले यूज करने वाला अपना सवाल है। तो डू यू टेक टी, आप चाय पीते हो क्या, तो डू यू टेक टी हो गया, लेकिन चाय क्यों पीते हो, अगर आप रीजन भी जानना चाहते हो तो यहाँ पे एट फर्स्ट आपको वाई यूज करना पड़ेगा, और अब इसका मतलब हो गया है आप चाय क्यों पीते हो। रीजंस भी हम देना सीखेंगे अभी कि इसके कारण कैसे बताएंगे। देखिए मान लीजिए आपने मुझसे सवाल पूछा कि सर आप चाय पीते हो क्या, पहला देखिए क्वेश्चन ये है कि आप चाय पीते हो क्या, डू यू टेक टी, या तो इसका जवाब आ जाता यस यस आई टेक टी, या फिर इसका जवाब आ जाता नो आई डू नॉट या आई डोंट टेक टी। लेकिन हमने सवाल क्या पूछा है कि आप चाय क्यों पीते हो, Why do you take tea? तो इसका जवाब बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। आपने कहा मुझे पसंद है इसलिए मैं चाय पीता हूं, गौर कीजिएगा बात पे, आपने कहा मुझे पसंद है इसलिए मैं पीता हूं, तो आपने कहा आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट इसलिए। देखिए इसलिए कि आपको दो वर्ड में कॉमनली बताऊंगा, सो का मतलब भी होता है इसलिए, सो का मतलब भी होता है इसलिए, और आजकल जहां कहीं आप देखेंगे आपको वर्ड यूज करा हुआ मिलेगा दैट्स वाई, वर्ड मिलेगा आपको दैट्स वाई, जब आप बताना चाहें कि इसलिए मैं काम करता हूं। ऑलरेडी हमारे पीछे की क्लासेस में हमने आपको बताया है दैट्स वाई मीन्स इसलिए, आपने कहा कि मुझे पसंद है आई लाइक इट, मुझे पसंद है इसलिए दैट्स वाई, दैट्स वाई मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, क्या बोलेंगे आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, ठीक है ना। कोई भी और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबके लिए किसी भी काम का अलग अलग रीजन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, जो अपना पहला क्वेश्चन था उसी का जवाब देना सीखते हैं, ठीक है ना। मैं दोबारा लिख लेता हूं क्वेश्चन को कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, और उसके बाद में उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाई आर यू लर्निंग आर इंग्लिश, अब आपके पास कोई ना कोई रीजन तो होगा ना इंग्लिश सीखने के पीछे का, क्योंकि बिना रीजन के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। क्योंकि आपने मास्क पहना है तो कोई ना कोई रीजन है, ठीक है, आप घर पे रुके हुए हैं तो कोई ना कोई रीजन है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं कोई ना कोई रीजन है, अगर आप तो कोचिंग जा रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन है, आप तो जॉब कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन है, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। बिना रीजन के तो हम सब्जी में नमक भी नहीं डालते, सब्जी में नमक भी डाल रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन है, हम उसको स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, या आपके लिए कोई और रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के पीछे का कारण मैं जानना चाहता हूं, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। तो मान लीजिए आपने कहा कि सर मुझे पसंद है, ये भी आपका जवाब हो सकता है आई लाइक इट, ठीक है। आपने अगर मान लीजिए बोला कि सर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूं, अब मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं इसके लिए आपकी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, मैं कोई भी काम करना चाहता हूं, देखिए आपकी क्लास हुई थी आई वॉन्ट टू, या फिर आप कह सकते हैं आई वाना स्पीक इंग्लिश,
आई वाना स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, आई वाना स्पीक इंग्लिश, इसलिए दैट्स व्हाई मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं कोई भी काम को कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहां पे ले सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जब हम ऑफलाइन क्लासेस करवाते हैं तो इस टाइप की कॉम्पिटिशन हम वहां पे रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया जाता है और उस एक क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आंसर उनको देने होते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर देते हैं एक सिर्फ एक सवाल के लिए। जैसे हमारा एक सवाल था, पिछले साल हमने कॉम्पिटिशन करवाया था ऑफलाइन क्लासेस में, व्हाई डू यू कीप मोबाइल, Why do you keep mobile? ये अपना सवाल था ऑफलाइन क्लासेस में, जो हमने कंपटीशन करवाया था, उस कंपटीशन में ये सवाल हमने दिया था। एक स्टूडेंट ने 321 आंसर इसके लिए दिए हैं कि वो मोबाइल क्यों रखता है, 321 आंसर सिर्फ एक सवाल के लिए, एक क्वेश्चन के लिए, व्हाई डू यू कीप मोबाइल, उसने बहुत सारे आंसर दिए। सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट्स व्हाई आई कीप मोबाइल, सर माय फादर सजेस्टेड मी, दैट्स व्हाई आई कीप मोबाइल, सर मोबाइल इज वेरी यूजफुल डिवाइस, दैट्स व्हाई आई यूज मोबाइल, आई कीप मोबाइल, सर आई कैन लर्न इंग्लिश थ्रू मोबाइल, दैट्स व्हाई आई कीप मोबाइल, और ऐसे ही बहुत सारे आंसर 321 आंसर उस स्टूडेंट ने दिए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप इससे भी ज्यादा आंसर इसके लिए दे सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो। तो आपको कोशिश करनी है कि आप भी इस सवाल के लिए व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कम से कम 5 रीजन जरूर बताएं कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपना जो आज का जो क्लास चल रहा है उसमें हम डब्ल्यूएस पर डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई कोई भी इंसान किसी काम को क्यों कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आप उनको पूछ सकते हैं। आपने कोई भी काम क्यों किया, जैसे मैंने किसी लड़के से पूछा, किसी लड़के ने गाली दी या कोई भी काम किया, मैंने उससे पूछा कि भाई आपने गाली क्यों दी, तो यहाँ पे सवाल क्या बनेगा, व्हाई डिड यू अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ठीक है ना। Why did you abuse? अब उसने कहा कि सर गलती से मैंने गाली दी, मैंने गलती से गाली दी, तो by mistake, क्या बोलेगा, by mistake, ठीक है ना। उसने कहा कि सर मैं गाली देना नहीं चाहता था, मैं गाली देना नहीं चाहता था, तो आपकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, मैं कोई भी काम को नहीं करना चाहता हूं, तो आप बोलते हैं आई डोंट वाना एक्शन, और अगर आप ये कहें कि मैं किसी काम को नहीं करना चाहता था तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट या आई डिडंट वॉन्ट टू एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन हो सकती है, यहां पे हम बात कर रहे हैं गाली देने की, तो आपका एक्शन हो गया अब्यूज। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू अब्यूज या आई डिडंट वॉन्ट टू अब्यूज, गलती से मैंने गाली दी, आई अब्यूज्ड, मैंने गाली दी गलती से, तो भाई मिस्टेक आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो वाई के बाद आपको जब आंसर देने का चांस मिले तो आपको रीजन बताना है कि कोई भी काम आपने क्यों किया या क्यों कर रहे हो या क्यों करना चाहते हो। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो तो क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, ये भी अपना एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, व्हाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, व्हाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं सिर्फ पूछूं कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो क्या, तो सवाल बनेगा डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, Do you want to learn English? आप English सीखना चाहते हो क्या? लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये कि आप English क्यों सीखना चाहते हो? Why do you want to learn English? तो इस तरीके से आप इस why को यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं सारे लोग। तो चलिए एक और नए WH word पे बात करते हैं आज की क्लास में, आगे बढ़ते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा बोले, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। WH word क्लासेस में हम क्वेश्चन को पूछना और उनके आंसर बताना सीख रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, फिर से कहूंगा, बार बार कहूंगा, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आ सकती है। इंग्लिश ही नहीं, दुनिया का कोई भी काम बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता, चाहे वो आप ड्राइविंग सीखें, कुकिंग सीखें, स्पीकिंग सीखें,
टाइपिंग सीखे, कोई भी काम सीखे, बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम आप नहीं सीख सकते, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सीख सकता, चाहे वो दुनिया का इंटेलिजेंट इंसान हो, वीक हो, कोई भी इंसान हो। तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार जुड़े रहिए हमसे और सीखते रहिए स्पोकन इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो रहेगा व्हाट टाइम। इसमें हम दो वर्ड्स लेंगे, एक तो रहेगा व्हाट टाइम और एक रहेगा अपना व्हेन। दो वर्ड्स को हम साथ में ले रहे हैं, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। व्हाट टाइम और व्हेन दो वर्ड्स हम यहां पे ले रहे हैं। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, अगर आप घड़ी का टाइम पूछ रहे हैं कितने बजे, अगर आप पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम, और अगर आप पूछ रहे हैं संडे मंडे ट्यूसडे, ये आप आंसर में चाहते हैं कब आओगे कब जाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास रहेंगे जब आपको किसी से पूछना हो, जैसे एक सीनरी आप सब लोगों ने देखी होगी, मैं ये कॉमन एग्जांपल ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत ज्यादा देता हूं। आपने बसेस में या किसी के घर पे आप गए हैं या पड़ोसी के घर में आप गए हैं, तो वहां पे आपने एक सीनरी देखी होगी, हो सकता है आपके घर में भी ऐसी कोई सीनरी लगी हो, जिस सीनरी में एक लेडी बैठी रहती है पेड़ के नीचे, पास में से ट्रेन गुजर रही होती है और ऊपर कॉर्नर में एक लाइन लिखी हुई होती है, तुम कब आओगे, ऐसा सेंटेंस वहां पे लिखा होता है, ऐसा शायद सीनरी आपने देखा होगा। और अगर आपने देखा है तो आपको वो सेंटेंस ध्यान में, नहीं देखा तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ऐसी सीनरीज देखने को मिल सकती है आपको इन फ्यूचर। तो अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कब और कितने बजे के लिए कर रहे हैं, कि तुम कितने बजे उठते हो, कब जाओगे, कब आओगे, कब बोलोगे, कब लिखोगे, कब किसी भी काम को करोगे। एक बात आप नोटिस करना, हम हिंदी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किसी भी बात के लिए इंग्लिश में क्या बोला जाए, बस इतना सा हम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उसको बना लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, व्हाट टाइम, उसके बाद में आप सबको पता है टाइमर डालना है, उसके बाद में वर्कर आएगा, उसके बाद में अपनी जो भी एक्शन की बात कर रहे हो वो एक्शन आ जाएगी। सिंपल, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है, चलिए। और व्हेन से भी ठीक वैसे ही रहेगा, वही टाइम वर्ड, वही वर्कर और वही एक्शन आपका आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बस स्टार्ट करना है। चलिए चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो अपना सेंटेंस रहेगा वो यही रहेगा कि तुम कब आओगे, पहला सेंटेंस है तुम कब आओगे, तो यहां पे सेंटेंस उठाएंगे व्हेन, व्हेन और आओगे फ्यूचर की बात चल रही है, व्हेन विल यू कम। अगर यही सवाल ऐसे होता कि तुम कितने बजे आओगे तो यहां पे व्हाट टाइम विल यू कम हो जाता, अभी मैं पूछ रहा हूं कब आओगे तो व्हेन विल यू कम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट टाइम विल यू कम, कितने बजे आओगे, तो आपका जवाब क्या रहेगा, सर मैं 1 बजे आऊंगा, 2 बजे आऊंगा, 3 बजे आऊंगा, तो आपका जवाब आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आई कम जो भी आपका टाइम है, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, जो भी आपका टाइम रहेगा वो टाइम आप यहां पे बता देंगे, वो तो आपको बताया ना कितने बजे आप आओगे या कितने बजे किसी को आंसर क्या बताना है वो आपको ऑलरेडी पता होता है। तो यहां पे हम आगे बात कर रहे हैं आई विल कम, जो भी टाइम उसके साथ आपने बात करी। अब देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने बजे उठते हो, मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने बजे उठते हो, तो पहले तो मैं पूछूं कि आप उठते हो क्या, जैसे ये सवाल है डू यू गेट अप, कॉमन सा सवाल है, ऐसे सवाल हम पूछते तो नहीं है कि डू यू गेट अप, ये नॉर्मल सवाल है, तो उठते तो सब है, लेकिन बस समझने के लिए आप देखिएगा इसको डू यू गेट अप। अब देखिए इसको हम डब्ल्यू एच वर्ड के साथ कैसे यूज करें, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप कितने बजे उठते हो तो मैं पूछूंगा व्हाट टाइम डू यू गेट अप, तो आपका भी जवाब आ जाएगा आई गेट अप 5 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock, जो भी टाइम आप उठते हो तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं आई गेट अप। आई गेट अप 4 o'clock की आपको ऑलरेडी मैंने ड्यूटी क्लास में पढ़ा दिया है कि मैं उठता हूँ 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वो ऑलरेडी आपने सीख रखा है, ठीक है ना। व्हेन के साथ बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई इंसान अब्रोड रहता है, फॉरेन रहता है, और वो आपको अभी बहुत दिनों के बाद मिला और आपकी जानकारी में नहीं था कि वो इंडिया वापस लौट चुका है, जब आप उससे मिलते हो तो पहला सवाल ये होता है आपका कि आप कब आए, आप कब आए, तो आप उसे टाइम नहीं पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो कब आए, तो व्हेन डिड यू कम, क्योंकि पहले की बात चल रही है, व्हेन डिड यू कम, यहां पे आपको टाइम पर डिड यूज करना है, व्हेन डिड यू कम, आप
कब आए, तो आप वो जवाब देंगे तो वो जवाब दे देंगे कि आई कैम ऑन मंडे संडे ट्यूजडे लास्ट मंथ लास्ट वीक जो भी जब भी हुआ है वो फिर आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो व्हाट टाइम और वेन हम यूज करते हैं, कितने बजे और ये कब, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं इसके साथ। जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। मैं आपसे पूछूं कि आप कितने बजे सोते हो, तो ये सवाल ऐसे बनेगा व्हाट टाइम डू यू स्लीप हो जाएगा, ठीक है ना। कितने बजे सोओगे, आज की बात चल रही है तो व्हाट टाइम विल यू स्लीप हो जाएगा। कितने बजे उठोगे तो व्हाट टाइम विल यू गेट अप, यहाँ पे आपका सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो और बोल सकते हो और इनका जवाब भी आप दे सकते हो। आप कितने बजे आना चाहते हो, आप कितने बजे आना चाहते हो, व्हाट टाइम डू यू, और यहाँ पे अब चाहते हो तो क्लास अपनी वांट टू वाली ऑलरेडी आपको बताई हुई है, वांट टू फिर यहाँ पे कम लग जाएगा। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस बन गया व्हाट टाइम डू यू वांट टू कम, आपको कितने बजे आना चाहते हो, आप कब आना चाहते हो, तो फिर आ जाएगा आपका व्हेन डू यू वांट टू कम। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। आज हमने कोशिश करी है तीन WH वर्ड हमने लिए हैं, धीरे धीरे हम WH वर्ड के नंबर्स को बढ़ाएंगे, आने वाली दो क्लासेस के हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और भी WH वर्ड अभी बाकी है और उनको भी हम डिस्कस करेंगे कुछ इसी तरीके से। तो कोशिश हमारी यही रही है कि बहुत सारे WH वर्ड के एग्जांपल्स हमने लिए हैं, मैंने एक एक करके समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन एक बार मेरी फिर से बात को ध्यान से सुन लें, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आएगी, चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश पढ़ा दी जाए या कितना भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, जब तक आप खुद नहीं बोलोगे इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा बोलिए, लिखिए, रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के व्यू तो मिलते हैं मेरे को, 10 लोग व्यू कर लेते हैं, 15 लोग वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको कह दिया गया कि कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लिख करके एक या दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछ सकते, एक या दो क्वेश्चन तो आप पूछा कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए इस चीज को लेकर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपको आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।